प्रतिमा फैमिली वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मैं बाहर आया हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ, मैंने सामान ले लिया, मैं आपको घर पे दिखाऊंगा। फ्रूट्स लिया मैंने और मैं बाहर थोड़ा खेल, मतलब मैं भी इसलिए आया कि पापा का ये उठाने भी और थोड़ा घूमने भी। तो मेरे को बहुत मजा आया। तो अभी 11 बजे को आ रहा है और यहाँ अभी पुलिस राउंड लगाएगी। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हो कि मार्केट सब बंद हो रहा है, देखे आधा शटर खुला है। और यहाँ भी सब जान अभी जा रहे जल्दी से, जो जो मतलब कि जिसको जिसको थोड़ा सा जहाँ भी मिल जा रहा है तो वो ले लो। देखो मेरे पापा भी केला ले लो, ये केला मैं आपको बाहर का नजर, ये अभी बंद होगा, ये सब ये धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। ये तो बंद हो गया पूरा यहाँ का। तो भाई आप देख सकते कि वहाँ भी थोड़े जो मोरे जाने हैं, वहाँ भी बंद रहेगा, वहाँ भी बंद हो जाएगा। तो भाई मैं आपको घर पर मिलता हूँ। मैं आ गया घर पे और मैंने जो आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, मैंने वाटरमेलन लाया है, ये बड़ा सा है, ये मेरा वाटरमेलन हो गया। और इसको बोलते हैं हम लोग दशहरा, मतलब दशहरा नहीं, केसर पिस्ता जैसा है। तो केसर पिस्ता नहीं, सॉरी केसर आम। ये हो गया, इसको साइड में रखते हैं। ये हो गया हमारा बनाना, मेरे को बनाना बहुत अच्छा लगता है, ये बनाना। और ये हाँ, 2 ऑरेंज, मैंने पापा से 2 ऑरेंज मांग लिया क्योंकि मैं मतलब कि मेरे को ये भी अच्छा लगता है, पर सबसे ज़्यादा केला और पपीता। मैं आपको पपीता दिखाता हूँ। दिस इज, अभी इस पर एक बताने वाला था कि मैं मतलब कि जब भी हम मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये आम है ना आम, इसमें भैया और मेरा झगड़ा होता है। बोला आपको मैं सुनाता हूँ। उस दिन मेरे पापा ने आम लाया था और उस टाइम मम्मी पापा थोड़ा बाहर गए थे और भैया और मैं थे। मैंने बोला चलो भैया आम खाते, तो मैं काटने पे नहीं लगा, मेरा भाई काट रहा था। तो मैं बोला मैं 3 आम लूंगा, तो भैया बोलता मैं 4 आम लूंगा। मतलब कि था ऐसे ही था, 1 2 3 4, मतलब मैं आपको समझा 3 और 4 आम थे, मेरे को कुछ समझ नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल दूंगा। इसका जो स्लाइस था वो पूरे 4 निकले, तो भैया बोलते हैं मैं 3 लूंगा तो 1 ले। तो इसी बात पे झगड़ा हो गया, तो हम लोग झगड़ा करते रहे। मम्मी पापा आ गए, हम लोग को पता नहीं, मैंने बोला 3 मैं लूंगा, 1 आपको लेना तो लो नहीं तो मत लो। तो मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी आ गई थी बाद में। जैसे घर में आए, मम्मी 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 कि देखो भैया मेरे को नहीं दे रहा है, तो मम्मी क्या किए 2 पीस खा ली। अभी हम लोग मम्मी जब 2 पीस खा ली, मम्मी मम्मी हम लोग ने क्या बोला, मम्मी रुको हम लोग खा लेंगे एक पीस। तो हम लोग शांति से एकदम शांत एक लिए कोई झगड़ा ही नहीं, क्योंकि हमको सबको भैया को पता था और मेरे को पता था कि मम्मी खा लेगी पूरा, जैसे हम झगड़ा कर रहे थे। तो भाई अभी इतना ही लाया था हम लोग ने, और कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। Thank you.